दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में कि जो बॉक्स गाइडवेज होते हैं उसमें किस तरीके से हम फिटमेंट करते हैं गाइडवेज का, और उसके बाद किस तरीके से हम पेस्टिंग करते हैं वहाँ पे टर्काइट का, और वहाँ पे उसके बाद स्क्रैपिंग का प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये गाइडवेज मेरे सामने है, तो गाइडवेज में फिक्सिंग के लिए बोल्ट होते हैं। जैसे ये ऑलरेडी फिक्स गाइडवेज है पहले का, तो यहाँ पर कुछ होल आपको दिख रहे होंगे इस तरीके के। दोस्तों निशानी है कि कैप जहाँ पे लगी हुई है, इस कैप को हमें निकालना होता है पहले, इसके नीचे बोल्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा पार्ट जो है वो टेबल है, टेबल के नीचे आप जो गाइडवेज पे स्लाइड होती है वो टर्काइट होता है, जो कि ब्लू कलर का आपको ये मटेरियल दिख रहा होगा। इस पे हमें लुब्रिकेशन के लिए यहाँ पे पाथ भी बनाया हुआ है ताकि बीच में लुब्रिकेशन चलता रहे गाइडवेज और इस टर्काइट के बीच में। अब यहाँ पे आपको एक जिप प्लेट भी दिख रही होगी, जिप प्लेट साइड से टाइटनिंग के लिए होती है ताकि हमारा जो स्लाइड है वो गाइडवेज इधर उधर ना मूव करें। उसके बाद देखिए फिक्सिंग जो हम करते हैं गाइडवेज का, अगर हमें नया गाइडवेज लगाना है तो पुराने को उस तरीके से बोल्टिंग खोल के हम नए को देखिए किस तरीके से फिट कर रहे हैं। नए को फिटमेंट करने के लिए हमें देखिए जब नई गाइड को हमने रखना है तो पूरा बीच में डिस्टेंस हमें अच्छे से मेंटेन करना है, अच्छे से बट करा लेना है। उसके बाद हम प्रोसेस करते हैं मार्किंग का। यहाँ पर जब भी आप पुराना गाइडवेज निकालते हैं और नया लगाते हैं तो मार्किंग अलग अलग जगह पर की जाती है, क्योंकि अगर आप उसी होल में मैच करने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से वहाँ पे मैचिंग नहीं हो पाती है। तो हमें जब नया गाइड निकालना है पुराने गाइड को निकाल के, तो हमें वहाँ पे नए होल करना ही बेटर ऑप्शन है। तो यहाँ पे नई गाइड्स आपको दिख रही होंगी, नई गाइड्स मैन्युफैक्चरिंग गाइड्स हैं ये। यहाँ पे हम नंबरिंग एज़ पर नंबरिंग की किस सीक्वेंस पे इनको लगाना है उस तरीके से नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए मार्किंग करने के बाद हमने ड्रिलिंग कर लिया है, ड्रिलिंग आप मैग्नेटिक स्टैंड वाले ड्रिलिंग मशीन का यूज़ करके कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो होल होंगे वो आपकी इंक्लाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर सारे होल आपको कर लेने हैं, होल का सीक्वेंस आपको पता ही होगा, पहले हमें छोटा ड्रिल मारना होता है उसके बाद बड़ा तक करते हुए हमें जो एक्चुअल साइज़ ड्रिल मार के वहाँ पर फिर टैप करना होता है। तो इस तरीके से सारे फिक्सिंग होल जो भी हैं हम उनको इस तरीके से वहाँ पे उनमें थ्रेड्स बना लेते हैं ताकि हम माउंटिंग वहाँ पे गाइडवेज का कर सकें। तो इस तरीके से थ्रेड सब जब हो जाए, अब हम दूसरा गाइडवेज को हमने अगर माउंट कर लिया उसके बाद आता है ऊपर का पोर्शन जो कि टेबल है। तो हमने यहाँ पे देखिए नया टर्काइट पेस्ट कर दिया है, नया टर्काइट पेस्ट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ एरल्डाइट और हार्डनर। हेडल्डाइट और हार्डनर दो केमिकल होते हैं जिनको मिक्स करके इस टर्काइट को पेस्ट किया जाता है। पेस्ट करने के बाद दो तीन एक या दो दिन रेस्ट करके उसको यहाँ पर देखिए ब्लू मैचिंग स्टार्ट की जाती है। ब्लू मैचिंग करने के लिए क्या करना है हमें, इस जब टर्काइट को हमने इस पर लगा दिया है तो यहाँ पर ब्लू गाइडवेज के ऊपर हमें ब्लू लगाना है, और उसके बाद इस टेबल को गाइडवेज के ऊपर रख के स्लाइड करना है। स्लाइड करते वक्त जितना भी एरिया में ब्लू मैचिंग आता है तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब तक ये 80% एरिया में ना आ जाए तब तक हमें मैच कराते हुए जाना है। इसमें साइड में भी टर्काइट लगा हुआ है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ब्लू मार्क आया हुआ है, इसका मतलब ये हाई पॉइंट है। तो इन हाई पॉइंट को हमें धीरे धीरे रिमूव करते हुए फिर से ब्लू मैचिंग करते हुए चलना है, और जहाँ पर मैक्सिमम ब्लू मैचिंग आ जाए मतलब 80% ऑफ द एरिया अगर ब्लू मैच आ जाता है तो इसका मतलब हमारे गाइडवेज परफेक्ट हो गया है। ये एक तरफ को नहीं आना चाहिए, एक तरीके से बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए ये ब्लू का एरिया जो भी है। अगर एक साइड में ही आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन है गाइडवेज में जो भी हमने टर्काइट पेस्ट किया उसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हम टेबल को रखते हैं गाइड के ऊपर और वहाँ पे हम आगे पीछे मूव करते हैं। आगे पीछे मूव करने के बाद जो भी मार्किंग आती है उसके बाद हम दोबारा से उसमें स्क्रैपिंग करते हैं। तो यही प्रोसेस है, हमें जो भी हम आप देखते होंगे मैटिंग पार्ट को किस तरीके से मैच करते हैं उसी तरीके से हम टर्काइट और गाइडवेज को भी मैच करते हैं। यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से सिंपली हम धीरे धीरे मटेरियल रिमूव करते हुए दोबारा से देखिए अभी गाइडवेज पर ब्लू लगा हुआ है। दोबारा से इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते हुए जाते हैं जब तक कि हमें जो डिज़ायर एक्यूरेसी है वो ना मिल जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हम बिल्कुल स्मूथली यहाँ पे हमने
पेस्टेड टर्काइड वाले एरिया को गाइडवेज पे रख दिया है, और अब हम इसको मैन्युअली पुश करेंगे। देखिए मैन्युअली पुश करते हुए ये देखिए, अब देखना है मैन्युअली हम हाथ के फोर्स से भी इसको पुश कर सकते हैं। तो इस तरीके से पुश करते हुए स्लाइड करेंगे। ये हम स्लाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि जो ब्लू हमने गाइडवेज पे लगाया हुआ है वो टर्काइड पे, टर्काइड जो कि टेबल के नीचे की साइड है जो कि गाइडवेज पे मैच करती हुई जा रही है, उस पर हमारा टर्काइड का टर्काइड पे ब्लू की मार्किंग आ जाए, जिससे ये हमें पता चल जाए कि हमारा कितना एरिया अभी कॉन्टैक्ट में है। उसके बाद हम हाइट जो गाइडवेज की हमें दोनों तरफ बराबर आ रही है नहीं आ रही है उसको चेक करने के लिए हम इस तरीके से टेबल पर डायल स्टैंड को रखते हैं, और वहाँ पे एक हाइट पीस का यूज़ करते हुए हम चेक कर लेते हैं कि हाँ दोनों साइड की गाइडवेज जो है वो बिल्कुल बराबर हाइट की है या नहीं। स्क्रैपिंग करने के लिए देखिए, क्योंकि गाइडवेज काफ़ी हार्ड होते हैं तो उनको स्क्रैपिंग करना मुश्किल होता है, तो हम जो टर्काइड हमने पेस्ट किए हो उसको स्क्रैपिंग कर लेते हैं और उसको जीरो जीरो करने की कोशिश करते हैं। तो नॉर्मली इस तरीके से देखिए किस तरह ये जो टूल होता है ये नॉर्मली हाई स्पीड स्टील या कार्बाइड का बना होता है जो कि मटेरियल को कट करने के लिए आसानी रहती है इस तरीके से स्क्रैपिंग करने के लिए इसमें। और देखिए अब ये साइड जिब जो हमने बात करी थी, जिब जिब जो होती है वो साइड बटिंग के लिए होती है। तो ये देखिए एक टेपर ये प्लेट होती है जिसको हम साइड के प्ले को अरेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों जिब में भी क्या होता है, एक साइड से हमारी टर्काइड लगी रहती है और दूसरे साइड उसकी प्लेन होती है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कीपर प्लेट। तो कीपर प्लेट का काम होता है कि फिक्चर जो भी हमारा जो टेबल रहती है जो भी हमारा गाइडवेज के ऊपर मूव कर रही होती है तो उसको ऊपर नीचे के प्ले को अरेस्ट करना, मतलब अगर फिक्चर हमारा ऊपर उठ रहा है या नीचे उठ रहा है उसके प्ले को अरेस्ट करती है ये कीपर प्लेट। कीपर प्लेट में भी एक साइड आप देख रहे होंगे प्लेन एरिया है मेटल टू मेटल और एक साइड हमारा टर्काइड है। तो ये नॉर्मली जो टर्काइड होता है वो प्लेन एरिया जो मेटल का है उससे 10 से 20 माइक्रोन हाइट में होता है ताकि ये अच्छे से बट कर सके और जो प्ले है टेबल का उसको अरेस्ट कर सके। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये देख के आपको पता चला होगा कि किस तरीके से बॉक्स गाइड होती है, टर्काइड कैसे होता है, जिप प्लेट और कीपर प्लेट क्या होती हैं। तो दोस्तों आगे मिलेंगे एक और नई टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तभी तो स्किल बनेगा इंडिया।